नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और मैं हूं अजय सक्सेना। साथियों, जब हम लक्ष्य निर्धारण की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका शरीर कैसा है, आप किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, आपकी रुचियां क्या हैं। आपकी रुचियां भी अनेक हो सकती हैं, उनमें भी देखें कि आपका रुझान किस तरफ है। इसके बाद अपने मन और बुद्धि से तर्क वितर्क करें। मन चलायमान है मगर बुद्धि विवेक के सहारे चलती है। आपकी बुद्धि किस क्षेत्र में चलती है, किन बातों को आप यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी ग्रहण करते हैं, आपका आदर्श कौन है, किस शख्स से आज तक आप प्रभावित रहे हैं, क्या आप वैसा बनना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर दिया है। आप सोचिए कि प्रकृति ने आपको किस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है और आपके लिए क्या कार्य निश्चित किया है। आपकी बुद्धि और आपका मन जिस ओर आपको इशारा कर रही हो, आपको उसी कार्य को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। ये प्रकृति का संदेश है, ऊपर वाले का संदेश है कि आपका मन उसी कार्य में लगेगा, आपकी बुद्धि उसी कार्य को आसानी से स्वीकार करेगी और उस कार्य में असफल होने पर भी आप बार बार प्रयास करना बंद नहीं करेंगे। हर बार नया प्रयास करने में आपको नई ऊर्जा मिलती जाएगी, क्योंकि वो कार्य बोलकर करे उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को, अनुभवों को भट्टी में पकाकर। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।